हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्लोट टू स्ट्रिंग कन्वर्जन के ऊपर और साथ ही साथ एक एग्जांपल बनाकर समझेंगे ताकि जावा प्रोग्रामिंग के इनसाइट आप फ्लोट टू स्ट्रिंग कन्वर्जन बेटर तरीके से कर पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लोट टू स्ट्रिंग कन्वर्जन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फ्लोट वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। फ्लोट टू स्ट्रिंग कन्वर्जन के लिए जावा के पास टू मेथड्स अवेलेबल हैं। पहला होता है वैल्यू ऑफ मेथड, जो कि स्ट्रिंग नेम की क्लास के इनसाइट होता है। दूसरा होता है टू स्ट्रिंग मेथड, जो कि फ्लोट नेम की क्लास के इनसाइट होता है। अब हम एक एग्जांपल बनाकर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12.2 एक फ्लोट वैल्यू है जो कि एक्स नेम के वेरिएबल के इनसाइट है और अब हम इस वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो फ्लोट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के दो मेथड्स अवेलेबल होते हैं जावा के पास। दोनों मेथड्स का यूज हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर करेंगे। पहले हम वैल्यू ऑफ मेथड का यूज करेंगे जो कि स्ट्रिंग क्लास के इनसाइट है। तो हम यहां पर स्ट्रिंग नेम की क्लास से वैल्यू ऑफ मेथड को कॉल करेंगे और यहां पर आर्ग्यूमेंट में हम इस एक्स नेम के वेरिएबल को पास कर देंगे। इसके पास फ्लोट वैल्यू है, ये वैल्यू ऑफ मेथड इस फ्लोट वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, जिसे हम वाई नेम के वेरिएबल में असाइन कर देंगे और इसका टाइप हम रखेंगे स्ट्रिंग। अब हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन स्टेटमेंट यूज करेंगे। यहाँ पर हम इस वाई नेम के वेरिएबल को पास कर देंगे क्योंकि इसके इनसाइड स्ट्रिंग वैल्यू है। हम रन करके चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12.2 जो कि अब एक स्ट्रिंग वैल्यू है। पता करने के लिए हम यहाँ पर एक नया वैल्यू ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर नया वैल्यू हम 1.2 लेंगे। फ्लोट के लिए पीछे एफ लिखा जाता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। नहीं है तो मैं बता रहा हूँ आपको कि फ्लोट के लिए पीछे एफ लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर वाई के इनसाइड स्ट्रिंग वैल्यू है तो एडिशन ना होते हुए क्या होगा, कॉन्कनेशन होगा। मैं रन करके बताता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12.2 के साथ 1.2 का कॉन्कनेशन हुआ है। इसका मतलब यह है कि y में जो वैल्यू है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है। अगर यहाँ पर मैं x वेरिएबल को रखता हूँ जिसके इनसाइड फ्लोट वैल्यू है, तो अब यहाँ पर कॉन्कनेशन होते हुए क्या होगा, एडिशन होगा और नया वैल्यू बनेगा 13.4। इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने पहला मेथड देख लिया है जिसकी हेल्प से हमने फ्लोट वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। अब दूसरा जो मेथड होता है वो होता है टू स्ट्रिंग मेथड, जो कि फ्लोट नेम की क्लास के इनसाइट होता है। तो हम यहाँ पर फ्लोट नेम की क्लास से टू स्ट्रिंग नेम की मेथड को कॉल करेंगे और जो आर्ग्यूमेंट है उसमें एक्स नेम के वेरिएबल को पास कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर ये भी इस फ्लोट वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा और जब हम यहाँ पर 1.2 को इसके साथ ऐड करेंगे तो एडिशन ना होते हुए क्या होगा, कॉन्कनेशन होगा। मैं रन करके बताता हूँ आपको। इस तरीके से। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया फ्लोट टू स्ट्रिंग कन्वर्जन के ऊपर। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।